अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको शटल्स की सारी अपडेट दूंगा। ये हमारी एसी वाली न्यू शटल है। शटल की टाइमिंग क्या है, रूट्स क्या है, किराया क्या है, तो मैं आपको शटल के अंदर से विजिट करवा देता हूँ। ये देखें, बहुत ही कंफर्टेबल शटल्स हैं हमारी। ये मलिहार तक चलती हैं, यहाँ से कमांड सिटी से मलिरकैंड डेन मलिहार, दो स्टॉप हैं इसके, कमांड सिटी से मलिरकैंड डेन मलिहार, और जो मलिहार से निकलती है तो मलिहार से मलिरकैंड डेन कमांड सिटी। तो ये इसके रूट हैं। इसके अलावा अभी भी इसके अलावा हमारे पास और कोई रूट नहीं है फिलहाल के लिए। भी ये रूट है हमारे पास मलिरकैंड से मलिहार। तो उसकी टाइमिंग्स के बारे में आपको आगे सब जगह बताता हूँ। ये बस स्टॉप बने हुए, ये बस स्टॉप नंबर 3 है, ये आखिरी बस स्टॉप है। इससे पीछे जब कमांड सिटी का सेंटर है वहाँ पर बस स्टॉप नंबर 2 है। देन स्टार्टिंग बिल्कुल गेट के थोड़ा सा आगे जाए पार्क के, तो बस स्टॉप नंबर 1 है। यहाँ पर इसकी डिग्गी भी बनी हुई है, आप चाहें तो डिग्गी में अपना सामान भी रख सकते हैं कराची से, अगर आपको ज़्यादा सामान लाना हो। काफ़ी बड़ी बस है, कंफर्टेबल है और एसी वाली है, तो इजीली आपका सफ़र निकल जाता है। 1 घंटे में आप आराम से कमांड सिटी पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं लगता आपको। और आपको मलिहार से मिलेगी पूरे अपने टाइम पर, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होती, पूरे अपने टाइम पर निकलती है मलिहार से। तो आपको टाइम से 5-10 मिनट पहले स्टॉप पर आना पड़ेगा और बस में बैठना होगा, ठीक है। इसका ऑटोमेटिक डोर है, हमारे ड्राइवर भी हैं, तो ये 7 बजे शटल का वेट कर रहे थे। 7 बजे यहाँ से निकलनी थी बस स्टॉप नंबर 3 से, तो बिल्कुल 7 बजने वाले थे, 5 से 6 मिनट थे, तो इन्होंने यहीं खड़ी कर दी कि यहीं से निकल जाएंगे। तो बहुत लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि बताएं शटल की टाइमिंग, उसका रूट्स। तो हमारे पास अभी 3, पहले हमारे पास सारे एसी वाली कोई भी नहीं थी, नॉर्मल कोस्टर्स नहीं, तो अब एसी वाली से हमने कर ली रिप्लेस आ रही हैं। अभी पहले एक की, फिर दूसरी की, तीसरी भी कर ली है, तीसरी भी आ गई। देखें यार, सामने जो ग्रीन पर्दे दिख रहे हैं आपको, ये तीसरी बस है बिल्कुल न्यू हमारे पास जो अभी आई है। ये बहुत ही शानदार किस्म की है। और ये है हमारा बस टर्मिनल जहाँ पे सारी बसें आके रात को खड़ी होती हैं। ये कमांड सिटी कैब्स हैं जो आप बुक करवा सकते हैं, ये एम्बुलेंस है जो एट अ टाइम आपको जैसे कॉल करेंगे आप घर में आ जाएगी। ये हाईएस्ट है जो छोटी शटल अक्सर शटल फुल हो जाती हैं तो इनको साथ निकालते हैं शटल्स के, और सिटी में कोई लोग अगर आते हैं विजिट के लिए तो उनको लेके जाते हैं हाईएस्ट में, पूरी सिटी का कराते हैं, टूर कराते हैं। बड़ी शटल है ये स्कूल के बच्चों के लिए भी, अक्सर पिकनिक वगैरह में भी ये लेके जाते हैं। ये हाईएस्ट है हमारे पास। अभी कुछ गाड़ियाँ कराची में भी थी, हेड ऑफिस में खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे सारी नहीं थी, और दो एसी वाली आगे भी थी। एक एसी वाली यहाँ खड़ी हुई, दो मैंने आपको आगे दिखाई हैं, दो यहाँ, एक यहाँ पे आगे थी वहाँ से, एक वहीं खड़ी हुई थी। तो 3 टोटल एसी वाली हैं और 4 जो हैं बस कोस्टर हैं। दूसरी बड़ी वाली बस है, इसको प्रॉपर व्यू आप देख लें। तो शटल्स का जो किराया है वो कमांड सिटी में जो रहायशी हैं उनके लिए 150 रुपीज़ है एक साइड का, ठीक है, और आना जाना 300 का पड़ता है। तो देखा जाए तो महीने का अगर कोई जाए तो उसको पड़ता है 9,000 रुपये का, पर यहाँ पे रिहायशियों के लिए सहूलत दी गई है जो 9,000 को कम करके 4,000 किया गया है, आधे से भी कम कर दिया गया है। 4,000 का पास बनता है आपका महीने का, आप कितनी दफ़ा भी जाएँ, कितनी दफ़ा भी आएँ, आप एक दिन में 4 दफ़ा भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप पास बनवा लें। और इजीली सिर्फ रिहायशियों के लिए सहूलत है ये, और जो रिहायशी नहीं है उनके लिए किराया 200 रुपीज़ है। ये बस आप देख सकते हैं, ये वाइट वाली, ये सारी पहले थी हमारे पास, ऐसे 2 ब्लू भी थी जिसके ऊपर कमांड सिटी का लोगो था। बस टर्मिनल है, यहाँ पे मैकेनिक्स वगैरह सबकी शॉप्स हैं। और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मलिहार से सुबह से मैं शुरू करता हूँ, सुबह पहली बस निकलती है 7:50, देन 10:15, देन 2 बजे दोपहर को, देन 3:30, देन 5:30, देन 7 बजे, देन 9 बजे, देन रात को 10:30 बजे मलिहार से आखिरी आती है। कमांड सिटी से सुबह सबसे पहले जाती है 6 बजे, देन 7 बजे, देन 10 बजे, देन 12 बजे, देन 3:30, देन 5 बजे, देन 7 बजे, देन 9 बजे। सुबह इसलिए शटल ज़्यादा हैं क्योंकि सुबह रश भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए रश सुबह 2 शटल ईजीली हो जाती हैं पूरी, ठीक है। और शेड्यूल जो है जुम्मे का वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़ी 2 से 3 शटल्स कम हैं नॉर्मल डे के मुकाबले में, तो उसका भी मैं आपको सब शेड्यूल पूरा शेयर कर देता हूँ आगे। तो वीडियो गंडक देखिएगा आपको, और उसके अलावा जो पास, मैंने पास का कोई बता दी है, पास 4,000 का या कोई भी बनवाए, पर पास पे जिस बंदे का पास है वही जा सकता है और कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता, ठीक है, पास पे वही जा सकता है। और एसी वाली शटल का किराया भी यही है, कोई डिफरेंट नहीं है, चेंज नहीं हुआ किराया, यही है किराया। मुश्किल ही है आगे बढ़े क्योंकि किराया भी बढ़ चुका है, 100 से 150 हो चुका है, तो किराया मुश्किल है बढ़े आगे। और 1 साइड अगर आपने वैसे जाना है, अगर आपका पास नहीं बना तो 150 रुपये आपसे टिकट दे के आपसे पैसे ले लेंगे, 150 रुपये एक साइड का, और 2 साइड का 300 वापसी में आप देंगे,
ठीक है, आपने चाहे तो मलिक अंडा कराना है तो आप जो टाइमिंग है बस की, अगर 7 बजे बस निकलनी है सुबह रात को मलिक हाट से, तो आप तो मलिक एंड 7:10 पे पहुंच जाती है, तो आप 7 बजे ही मलिक एंड आ जाएँ ताकि आप इजीली शटल अवेल कर सकें। अगर शटल आपके बाय चांस रह जाती है तो आप या तो अगली शटल का वेट करें, तो यही आपके पास हल है। शेड्यूल मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे आगे, तो आप उसका स्नैप ले लीजिएगा और ये देख सकते हैं आप, ये शटल सर्विस का 1 फीट का शेड्यूल है। AC नॉन AC भी लिखा हुआ है, मलिर से भी, कराची से भी, मलिर हाट से लिखा हुआ है, मलिर हाट मेन सोनी बेकरी के साथ ही जो है, फैसल मोबाइल के साथ ही उसका ऑफिस है, गार्ड भी वहाँ पे होते हैं। और ये देखें, दिन में 8 यहाँ से जाती हैं, 8 वहाँ से आती हैं, इसमें 5 लिखी हुई हैं, इस पिक में पूरी नहीं आती, तो मैंने नेक्स्ट पिक में इसको कर लिया है। ठीक है, ये आपको दोनों की टाइमिंग दिख रही हैं और दूसरी टाइमिंग 3 ये हैं, 17 मतलब 5, 7 और 9 बजे सिटी से, और मलिर से 10:30 बजे आखिरी है। ठीक है, कुछ भी ना समझ आए मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपको इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी दिखा देता हूँ कि क्या जो मैं आपको पीछे बताया है उसकी भी मैं स्नैप शेयर कर देता हूँ आपके साथ। फ्राइडे का, बाकी फ्राइडे का शटल शूट आप देख सकते हैं, ये फ्राइडे का है, इससे थोड़ी कम शटल्स हैं, इसका स्नैप आप ले लीजिएगा, ये थोड़ी सी आई है। और ये बस के टिकट के बारे में लिखा हुआ है, बस नहीं तो कॉस्टर ही हैं सारी तकरीबन, और जो आखिरी 2 रह गए उसको भी रिप्लेस कर देंगे, मंथली पास के प्राइस लिखे हुए हैं। और ये फ्राइडे जेंट्स का लिखा हुआ है कि कौन कौन सी सर्विस चलेंगी। ठीक है, तो कुछ भी ना समझ आए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।